अब इसमें डिजाइन आप क्या रखना चाह रहे हैं, किस तरह से उसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो शेप्स वो डिजाइन वो तो आपके ऊपर है। अब जैसे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर आके हाफ पे मैंने इसको कर्व कर दिया, और यहाँ पर आके ठीक है इस तरह से रख दिया, और इसको मैंने लाइन में कन्वर्टेबल के लाइन में, अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ नजर आए तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ये मैंने छोटा सा शेप जैसे क्रेडिट कार्ड्स वाले होते हैं उनको आके मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आके मैंने इसको सिल्वर कलर की फील दे दी, जैसे कार्ड्स के मेरा रिमूवल होता है, यहाँ पर आके मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना लोगो रख लें, या मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, आज पन लोग बिजी करते हैं। आप अपनी जेब में देखेंगे कितने कार्ड रखे हैं, उसके साथ चेक करें, यहाँ पे आपका लोगो आ गया, बहुत ज्यादा आपने यहाँ कंपनी का नाम दे दिया, यहाँ पे आप अपना नाम दे दें, अलाइनमेंट का खास ख्याल रखते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो फॉन्ट से ज्यादा, दो राइटिंग से ज्यादा, कोई से भी, वो आपकी थीम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कम बता दें, याद पे रखिए, और इसमें वेब मतलब एड्रेस के अंदर आपका 6 पॉइंट्स होता है। अब आप उसको बैलेंस कर लें, जितना गैप ऊपर उतना गैप नीचे, उसके हिसाब से आप रखें, ये चीज होती है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बना रहे हैं ब्रोशर, तो टू फोल्ड वाला बना रहे हैं, सपोज आपने ए फोल्ड लिया, एक फ्लिप कितने साइज का, एक दो फ्लिप बना रहे हैं, तो एक फ्लिप कितने साइज का, पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। सब सपोज में 3.5 है, तो मैं ले लूंगा 7, हाइट कितनी है 7.75, ये हमने सेटअप नहीं किया, ठीक है। एक फ्लिप का साइज कितना है, एक फोल्ड का साइज कितना है, एक पेज का साइज कितना है, नहीं मेरे क्लाइंट बताएगा, आप उसको बता सकते हैं कि कौन कौन से साइज का होता है, तो फिर उसको चूज करना है, उसने आपको बताना, उसको हम डबल कर दें, हाइट दोनों की सेम रहेगी, जैसे मैंने आपको ग्रीटिंग कार्ड बताया था। अब आप क्या करेंगे, रूलर लेंगे और यहाँ से 0 0 सेट कर देंगे, 0 0 सेट हो गए, यहाँ पर आए, अब देखिए इसमें साइज कैलकुलेशन नहीं है, गाइड कोई वो नहीं है, सेटिंग्स ये कहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पे कोई पैनल है गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप गाइड का कोई दे सकते, मगर कॉरल में है और बहुत अच्छा है कॉरल गाइड। एनीवेज हम लोग इसको लेते हैं आगे करते हैं, हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, इसी तरह से हमने इसको यहाँ रख दिया, हमने इसको यहाँ रखा, ज्यादा हो गया, तो यहाँ आपका सेंटर आपके पास आ गया 3.5, ये हमने ज्यादा हो गया, ये हमने फोल्डिंग एरिया छोड़ दिया। अब डिजाइन एज तो ये ब्लैक है, मगर टाइपोग्राफी के लिए ये वाइट एरिया, क्योंकि फोल्डिंग के बीच में लेके नहीं आते और एज पे हम टेक्स्ट लेके नहीं आते, बहुत हैवी फाइल है, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाऊँ,
से मिली है। अंदर आपको डिटेल मिल रही है अरीना की, और अरीना में क्या क्या चीजें हैं, तो ये फैसिलिटी के अरीना में रहते हुए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होती है चीजें, हमने चीजें डिस्कस कर। एंड पे हमने अपने कोर्सेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब, थोड़ा सा लक्ष्य आ गए, एड्रेस आ गए, इसके लिए 400 भी दिखाई। इमेज की वजह से फिर ये कि इसमें शेप बहुत सारे हैं, अगर आप देखें ना इसमें एक छोटा से छोटी चीज भी है, उसमें इतने सारे शेप है, ये शेप अलग बना हुआ है, फिर इसके ऊपर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, फिर इसमें ब्रश भी अप्लाई हुआ हुआ है, ये देखिए ब्रश अप्लाई हुआ हुआ है। अच्छा पीछे ये डिजाइन अलग यूज हुआ हुआ है, अभी लॉक हुआ हुआ है, एक छोटा सा सर्कल है जो कि पीछे रखा हुआ है, वहाँ लॉक हुआ हुआ है, ये पूरा मैच बेस है, फिर इस पर हल्का सा ग्लो भी आ रहा है, ये अरीना लिखा हुआ है, इस चीज को देखिए जितने नोड ज्यादा होंगे, जितने शेप ज्यादा होंगे, जितने ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे, उतनी फाइल बढ़ती है। आप देखो छोटे छोटे शेप्स कितने सारे, छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे एरो, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, बहुत कुछ इसके अंदर है। आप ये पिक्चर्स भी आप देख लो, प्रिंट भी आपको पिक्चर भी अच्छी रेजोल्यूशन में देनी पड़ी है, टेक्स्ट आप देखें कितना सारा टेक्स्ट है इसके अंदर, बिल्कुल हैवी बनेगी। तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ आपके पास आ जाती है, ब्रोशर में आपको ये सारी चीज़ें देख के करना पड़ेगा। अच्छा ब्रोशर भी बहुत छोटा एलिमेंट है, इसलिए 2 mm का गैप आएगा, मगर ये 2 mm जब आपकी आखिर में जाके कटिंग होगी वो क्रॉप देना पड़ेगा, मगर वो इनर मार्जिन को नहीं बताएगा, वो तो आपके एज पर आएगा। ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये आ गया, कटिंग यहाँ से होगी। अगर मैं टेक्स्ट भी एज तक लेके जाऊंगा और कहीं वो कट में जरा सा अंदर हो गया तो टेक्स्ट कट गया। तो ये रूल्स हैं आपके डिजाइनिंग के, कि आपको कोई भी चीज जो है वो एज तक नहीं रखनी, और यही मामला बिजनेस कार्ड के अंदर भी। देखिए मैंने इसको आगे रखा, इसको पहले रखा, ये इसी वजह से होता है कि आप छोटी सी छोटी चीज के बाद 2 mm का गैप जरूर देते हैं साइड, बाकी जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसी को सिलेक्ट करके क्रॉप मार्क लगाना, कटिंग तो यहीं से होगी, मगर कटिंग के दौरान ये हल्का सा इतना अंदर हो गया और आपका टेक्स्ट बिल्कुल एज पे था, टेक्स्ट तो कट जाएगा। तो इसलिए ये डिजाइनिंग रूल के अंदर है कि आप टेक्स्ट को रेंज दो। अब आप छोटे एलिमेंट्स के ऊपर, बड़े एलिमेंट्स के ऊपर तो आपको 0.5 inch देना, जैसे पोस्टर यहाँ पे आप लिखते हैं फ्लायर, ठीक है यहाँ पे आप लिखते हैं ब्रोशर, तो आप सब चीजों के अंदर थोड़ा सा फर्क देख लेगा। कोई चीज ऐसी आपको रखनी नहीं है कि जो एज तक कनेक्टेड हो, देखो हर चीज पहले खत्म हो रही है, कोई चीज एज तक नहीं है, ये कटिंग यहीं से होगी, कटिंग इमेज कट जाए, डिजाइन कट जाए, टेक्स्ट भी कटना चाहिए। जो एज है वो डिजाइन के लिए है और जो मार्जिन है वो टेक्स्ट के लिए। ठीक है आप खेल सकते हो, आप डिबेट कर सकते हो कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा कट नहीं दिखाना चाहिए तो नहीं रखा था, मगर टेक्स्ट कट गया कैसे सेटिस्फाई करोगे, समय लगेगा तो कटा हुआ टेक्स्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट के लिए आपको मार्जिन रखनी पड़ती है। अब देखिए फ्लायर है कहीं पर भी आप देखो, किसी भी जगह पर देखो, क्योंकि टेक्स्ट की बाउंड्री होती है। चले इसको देख लेते हैं, यहाँ से कट रहा है, ये पूरी अलाइनमेंट देखिए इसके साथ चल रही है, सेकेंड एलिमेंट है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट देखिए सबकी अलाइनमेंट एक जैसी है, ये बहुत जरूरी होता है। ये देखिए ये डिजाइन यहाँ से आ रहा है मगर टेक्स्ट यहाँ से लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि डिजाइन कट जाए, टेक्स्ट कट गया तो फिर तो रीडेबिलिटी डाउन हो गई ना, आपकी वो पढ़ने वाली चीज है ही नहीं। देखें यहाँ पे वो जो आपने मार्कर लगाया, मार्कर कर रहे हैं, मगर बाद दफा 1 mm का फर्क कर दिया, कहीं किसी ना किसी से थोड़ा बहुत आ ही जाता है। देखिए बिल्कुल नहीं, एक तो कट कभी भी नहीं, एक तो कभी भी कट नहीं होगा, जब भी होगा परेक्ट होगा,
ये सारे सेटअप्स होते हैं। और बताएं इसके अंदर कोई सवाल हो। गाइड्स आपका बहुत बड़ा रोल है, गाइड्स लगाएं, क्योंकि आप बार बार लाइन में पीछे रखते से रहें, जब तक गाइड नहीं लगाएंगे तो आपको पहचान नहीं होगी, गाइड्स होती नहीं सकती होगी।